जीपीसीआर का क्या फुल फॉर्म होता है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। कपल रिसेप्टर। गुड, लेकिन हमको ये तो बताना नहीं है, है ना? हमको तो कुछ और ही टॉपिक बताना है आपको, और वो है GERL। ओके, जीपीसीआर पढ़ाते पढ़ाते कई बार वही चीजें। यहाँ पर जी स्टैंड करता है किसके लिए? गॉल्जी एपरेटस के लिए। यार स्टैंड करता है, सब जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। और एल स्टैंड करता है लाइसोजोम्स के लिए। ये तीन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, गॉल्जी एंड लाइसोजोम। ये तीनों जो हैं, इनका क्या क्या काम है? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है केमिकल फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री। गॉल्जी अपरेटस जो है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। लाइसोजोम जो है वह है रिसाइकलिंग यूनिट। इस प्रकार से यह बटा हुआ है अलग अलग काम में कि किसका क्या काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केमिकल फैक्ट्री, गॉल्जी अपरेटस प्रोसेसिंग यूनिट, लाइसोजोम रिसाइकलिंग यूनिट। अब कैसे ये काम करता है, क्या इसका पीछे मकसद है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल होता है कि सेल क्या है। सेल एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, तो हु सिंथेसाइज प्रोटोप्लाज्म। हमको इसके पहले द लगाना चाहिए, वो सिंथेसाइज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कौन सिंथेसाइज करता है? तो आंसर होता है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गॉल्जी बॉडी आता है, एंड अदर वेसिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये तमाम जो है, ये इसके अंदर में आने वाले हिस्से। तो प्रोटोप्लाज्म को ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो बनाता है। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट और कंस्टिट्यूएंट अगर हम गौर करेंगे, तो मैं बोलता हूँ, कुछ मेजर एग्जांपल्स को लेता हूँ और आप देखें कि उसका कंपोजिशन कैसे होता है। सब लोग इन सब चीजों को सीखेंगे। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को लेते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाते हैं, ये मेम्ब्रेन्स हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, और अंदर इसका मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम बोलें कि इस पूरे सिस्टम को कौन बनाता है, कोई तो बताए बनाएगा, ठीक है? चूंकि हम जब भी सेल पढ़ते हैं तो हम इनका स्ट्रक्चर और इनका काम पढ़ते हैं, बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो वो टेम्पोरल ट्रांसफर पढ़ते हैं। तो ये नहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये बनता कैसे। अगर बायोकेमिस्ट्री देखें,
आप बताइए कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का केमिकल कंपोजिशन क्या हो। पहला फॉस्फोलिपिड होगा जिससे मेम्ब्रेन बनता है, ओके। दूसरा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा जिससे इसका मेम्ब्रेन बना है। तीसरा ग्लाइकोप्रोटीन्स हो जाएगा। चौथा ग्लाइकोलिपिड्स हो जाएगा। पांचवा एंजाइम्स हो जाएगा। छठवा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा ठीक है। सातवा फैटी एसिड्स एक्सेट्रा हो जाएगा। ये सारी चीजें बनाती हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया का। आठवां डीएनए हो जाएगा, सेलुलर डीएनए। नौवां आरएनएज हो जाएंगे। ये सभी मिलकर एक पूरे सिस्टम को बनाता है, ठीक है ना। अब मेरे मन में सवाल आएगा सबसे पहला कि इस फॉस्फोलिपिड को कौन बनाता है, कहाँ बनता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ बनता है, एंजाइम्स कहाँ बनते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहाँ बनते हैं, फैटी एसिड्स वेटिस कहाँ बनते हैं, डीएनए आरएनए कहाँ बनता है, राइबोसोम्स कहाँ बनता है। इस प्रकार से जब बहुत तरह के सवाल मन में उठने लगे तो फिर हमें यह समझ में आता है कि सेल का कुछ भी चीज तो सेल के ही द्वारा बनाया जाएगा, बाहर से तो बनाया नहीं जाता है। क्या ऐसा कभी होता है कि बाहर से कुछ आके हमारे देह में चिपक जाए, आदि ऐसा कभी नहीं होता। सेल हमेशा अपने ही सिस्टम से बनता है और अपने ही सिस्टम में उसका रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। जैसे अब कुछ एग्जांपल का आपको उत्तर भी सुनने में लगेगा, सर कुछ आंसर ही बताइए। जैसे कि मान लो कि फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ बनते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है, कोलेस्ट्रॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एक प्रोसेसिंग है तो गॉल्जी बॉडी में बनेगा। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ बनते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड जो है वो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गॉल्जी पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। फिर है न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ बनते, 99% लोग आंसर करेगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोटाइड्स बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके अलावा अगर आप और भी कुछ देखना चाहें जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है एनीथिंग, तो सामान्यतः ईआर जो है वो मेजर जगह होता है जहां पर बायोसिंथेसिस होता है। तो प्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने क्या कहा, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, केमिकल फैक्ट्री, ठीक है, ऑफ द सेल। सेल के अंदर का ये केमिकल फैक्ट्री है जो सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज साइज करता है, पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग भी करता है थोड़ा सा जरूरत है तो, एंड स्टोरेज करता है। ये तीनों काम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इनमें पर अगर हम लोग गॉल्जी बॉडी के बारे में करें, गॉल्जी बॉडीज में ये प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का काम ये करता है। किसी को सवाल पूछना है, एनी क्वेश्चन, बातें समझ में आ रही हैं? यस नो, यस सर,
अब इसके बाद सवाल आता है कि जो जन्म लिया है वो मृत्यु को पाएगा, मतलब रिसाइकलिंग होगा। मृत्यु तो डरावना शब्द, रिसाइकलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोलेस्ट्रॉल बना है, कोलेस्ट्रॉल का क्या है, एक निश्चित उम्र है, उम्र है, जिसे साइंटिफिक टर्म लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ये बोलते हैं। एक सर्टेन टेन है एज, उसके बाद ये डिग्रेड कर जाएगा। तो मान लो कि 6 दिन इसका उम्र है, 6 दिन, तो 6 दिन के बाद क्या होगा, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और उस ये कहां पर होगा, लाइसोजोम में, लाइसोजोम में कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन होगा। और इससे दो प्रकार की चीजें निकलेंगी, एक रीयूजेबल मटेरियल्स, इसको आप फिर से यूज कर सकते हैं, और दूसरा वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स। सेल के अंदर में वेस्ट मटेरियल्स क्या होता है, जो कौन बताएगा, जल्दी बोलो, माइक्रोफोन ऑन करके बताइए। सर मेटाबॉलिक वेस्ट। तो मेटाबॉलिक है ना, वेस्ट है तो क्या होता है वेस्ट मटेरियल, वो हम पूछ रहे हैं। कहते हैं नाइट्रोजन, जिसका यूज करने के लिए डीएनए के पास सूचना ना, आप लोग थोड़ा सा बड़े हो जाइए सब लोग, ठीक है ना। अब आप लोग थोड़े बड़े हो जाइए, आप लोग का आंसर थोड़ा मैच्योर होना चाहिए। कब तक हम लोग बोलेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, कब तक बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट, ये सब लद गया, ठीक है। कहीं मैं इंटरव्यू बोर्ड में रहता हूँ तो फिर मैं एग्जैक्टली वो जानना चाहता हूँ आपसे, लॉजिकल आंसर चाहिए मुझे, एंड चाहिए। व्हाट इज अ वेस्ट मटेरियल इन अ सेल, ठीक है। तो आंसर होता है वो मटेरियल्स जिसका यूज करने के लिए डीएनए के पास कोई सूचना नहीं, वो सेल के लिए क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। और रीयूजेबल मटेरियल क्या होता है, जिसका यूज करने के लिए डीएनए के पास क्या हो, इंफॉर्मेशन हो। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। गुड। मैं अपने हमेशा अपने स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट करता हूं उसका आंसर भीड़ से अलग होगा। यदि भीड़ वाला आंसर आप दे रहे हैं तो भीड़ में ही रह जाइएगा, लेकिन अगर आप आंसर करते हैं इसका एक लॉजिकल एंड है तो आप एकदम श्योर रहिए कि आप वहीं पर उसको लोग बहुत अटेंटिवली सुनेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अब बोलेंगे नाइट्रोजनस बेस्ट, मैं 10 जगह बताऊंगा जहां नाइट्रोजनस बेस्ट नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे वहां पर। तो इस प्रकार से लाइसोजोम जो है वो एक्चुअली रीसाइक्लिंग यूनिट है। लाइसोजोम इज नॉट अ सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग ऑफ सेल होने का मतलब है कि वो दैट इज द लास्ट थिंग, जो बहुत कम जगह पर होता है, डे टू डे का जो काम कर रहा है ना उसका काम करना है लाइसोजोम। अब जब इतनी सारी बातें हुई तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो केमिकल फैक्ट्री है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं केमिकल फैक्ट्री, किसी भी केमिकल फैक्ट्री को क्या चाहिए, अगर आप देखें पहला चाहिए रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, दूसरा एनर्जी सप्लाई, बिजली बत्ती चाहिए नहीं तो कैसे काम करेगा, तीसरा मैन पावर, ठीक है, आदमी आदमी चाहिए,
चौथा ट्रांसपोर्टेशन, कारखाना में सामान लेकर क्या करोगे, रख लोगे घर में तो फिर बाहर भेजना है कि नहीं भेजना है। तो रॉ मटेरियल्स क्या है यहां पर, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ये भी एक तरह का है रॉ मटेरियल, ग्लूकोज हो गया, ये भी प्रोटीन है, वो भी मटेरियल है, ओलिगोसैकेराइड है, वो भी मटेरियल है, एक्सेट्रा, करेक्ट। एनर्जी सप्लाई, एटीपी है जो उसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, मिलता। मैन पावर, काम करने के लिए यहां पर एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स के बिना काम नहीं होता। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल सेक्रेशन, ये टर्म यूज करते हैं हम लोग, सेल सेक्रेशन। तो किसी भी कंपनी को काम करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फलाना चलाना जो भी। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए एनर्जी सप्लाई चाहिए एम्पल अमाउंट में, एटीपी है। किसी भी कंपनी में काम करने वाले मैन पावर चाहिए, यहाँ ये मैन पावर एंजाइम्स को हम कहें। और किसी कंपनी में जब सामान बन जाएगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसके लिए आता है टर्म सेल सेक्रेशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। किसी कुछ पूछना है, नहीं सवाल जवाब पूछो। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे साथ पढ़ोगे सोचने के तरीके बदलेंगे, ठीक है ना, चीजों को जो अभी आप जिस स्टाइल में पढ़ते हैं वो स्टाइल बदलेगा। हाँ पूछिए। सेल सेक्रेशन का मैकेनिज्म थोड़ा समझा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ना, आप ऊपर ही रॉ मटेरियल का क्यों नहीं मैकेनिज्म पूछ रहे, एनर्जी सप्लाई क्यों नहीं पूछ रही है ना, सब पूछना पड़ेगा, सब जानकारी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, आप लोग सवाल जवाब करते हैं, इसी तरह से करते रहिए, समय पर सेल सेक्रेशन भी आ जाएगा, है ना। रटने का काम खत्म हो जाएगा, मेमोराइज होने के लिए समझना, लर्निंग अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड रिटेनिंग, ये तीन चीज जो है ये आप में होना चाहिए। अब देखो कि अगर आप एक सेल देखते हैं, अगर ये सेल है, न्यूक्लियस इसका सूचना केंद्र है, जिस न्यूक्लियस में डीएनए है, जिसके पास सारी सूचना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और बाकी एक डेंस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है यहाँ पर मौजूद रहता है। हम लोग बड़ा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअली ये होता है कि ये मेम्ब्रेन सिस्टम बहुत उलझा हुआ मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, एकदम मतलब जाली होता है, जाली ऐसे जालदार होता है, इसी में गोल्जी बॉडी हो गया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए, लाइसोसोम हो गया, स्पेरोसोम हो गया, और भी अगर चाहिए तो और भी होगा, इस तरह के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो सब बने रहते हैं, और उस सब में अलग अलग काम जो होता है वो उसको करने के लिए बनाया जाता है, कंपार्टमेंट को अलग अलग काम करने के लिए बनाया जाता है। हर चीज की मृत्यु होती है, हर चीज को रिसाइकलिंग होना पड़ता है, एक समय के बाद माइटोकॉन्ड्रिया का रिसाइकलिंग हुआ, एंडोप्लाज्मिक रिसाइकलिंग हुआ, स्पोरोसोम का हो, गोल्जी बॉडी का हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लेकिन ये रिसाइकलिंग जो होता है ना वो स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही बार में पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को खा गया, वो तभी हो सकता है जब सेल बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा, ये तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है कि एक को बदल दिए, एक की जगह नया लगा दिए। चलिए कुछ और आपको सिखाते हैं, ठीक है ना, हम तो लॉजिक में ही बनाने में ज्यादा मेरा एनर्जी खर्च होता है,
आपके दिमाग में एक साइंटिफिक लॉजिक डेवलप। चलो अभी देखो, आप सबको बता रहे हैं कि मान लो कि ये फॉस्फोलिपिड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक फॉस्फोलिपिड, दो फॉस्फोलिपिड, तीन फॉस्फोलिपिड, चार, पांच रखते हैं, ओके। हर एक फॉस्फोलिपिड का अपना एक एज होगा। अब बोलेंगे सर बीच में तो आप छोड़ दिए हैं। हाँ, बीच में एक रंगीन लाएंगे ना, दो ठो रंग बिरंगा भी लाएंगे। ठीक है, हर तरह का ज्यादा कलर करना चाहिए था लेकिन हम उतना कर नहीं पाए। फॉस्फोलिपिड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबका अपना एक एज होगा, अलग अलग सबकी अपनी उम्र होगी। मान लीजिए 3 डे के लिए है, ये 2 डे के लिए है, 4 डे के लिए है, 4 डेज के लिए है, ये 0 डेज के लिए, ये 1 डेज के लिए, ये 3 डेज के लिए, 4 डेज, सब हो जाए सब। अभी बताएं मुझे कि कौन सा फॉस्फोलिपिड है जिसका उम्र हो गया, जल्दी। जल्दी बोलो 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 बोलो। फोर्थ वन। लाल वाले का नहीं, क्योंकि लाल वाला 0 आवर में है, तो इस लाल वाले को अब डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम के पास भेजना है, और इस लाल वाले की जगह पर एक फ्रेश बढ़िया सा नया बना हुआ सेम फॉस्फोलिपिड को जोड़ना है। सेम, ऐसा नहीं कि बदल देंगे, सेम। अगर यहां पर फोर्थ फॉस्फोलिपिड है तो ये भी फोर्थ फॉस्फोलिपिड से ही रिप्लेस होगा। क्या अब होगा? ये यहां से चला, इस फॉस्फोलिपिड को बाहर निकाल लिया गया और इस फॉस्फोलिपिड को यहां पर जोड़ दिया गया। अब जरा गौर करिए, अब ये जो रेड वाला है, इस रेड वाले को यहां से आउट कर दिया गया। अब रेड वाला जो है वो कहां चला? इस मेम्ब्रेन से बाहर। इसको लाने का तरीका है, अभी तो मैं लेमैन्स लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ऐसा ही सब कुछ नहीं होता है, सबके पीछे एक काम करने का तरीका है। और ये जो है चौथा वाला, इसको ले जाके यहां पर लगा दिया था। अब ये चौथा वाला सबसे रिसेंट है ना, अभी सपोज करो कि इसका 4 दिन एज है, अब इसका 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 4 दिन। अगले बार जब 5 की जरूरत पड़ेगी, 5 बाहर आ जाएगा, और इसके जगह पर पांचवा जो फॉस्फोलिपिड है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप, 1 by 1 होता है, 1 by 1, इसलिए रिप्लेसमेंट होते रहता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है ना, कैसे हमारा स्किन का सेल रिप्लेस होता है हर दिन, हमको पता चलता है? ऐसा थोड़े कि एक दिन हम कांपने लगते हैं रात शाम में आधा घंटा कि हमारा सब सेल बदल रहा है, ऐसा हम नहीं करते, 1 to 1 बदलते रहता है, हमको पता नहीं चलता है। तो इसी तरह से कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, कोई भी सेल कंपोनेंट हो, वो बदल दिया जाता है और उसके पुराने को और नया उसको उसके जगह पर क्या कर दिया जाता है, ला दिया जाता है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है, इनका मंजिले मकसूद कहाँ है? लाइसोसोम। अब इनको लाइसोसोम में भेज दिया जाएगा, लाइसोसोम में मार हथौड़ा, मार छेनी, मार बर्छी भाला इनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। अब इस टुकड़ों में कुछ अच्छे टुकड़े हैं, कुछ बुरे टुकड़े हैं। जो अच्छे टुकड़े हैं उस सेल को लौटा दिया कि जो भाई यूज कर लो, और जो इसमें खराब टुकड़ा है उस खराब टुकड़ों को बोला कि चलो भाई तुम लोग कचरा हो, सेल से बाहर निकलो। आपको बेसिक बात समझ में आई या नहीं सबको? यस सर। बढ़िया, आप बताएं एक्चुअली समझ में क्या आया?